कि जो स्टेटमेंट आ रही हैं इनकी अब तक, चीफ मिनिस्टर कहते हैं ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, और राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई जो यात्रा आई उनके पास डंडे और हथियार कैसे आए, क्यों नहीं सरकार ने चेक किया। जब भी कोई भी यात्रा निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है जब आते हैं तो। और जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई जो मोनू मानेसर है उसको राजस्थान में केस रजिस्टर्ड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करेंगे, इज ऑन रन। और उधर से होम मिनिस्टर प्रदेश के कहते हैं कि उस मोनू के खिलाफ FIR राजस्थान में भी दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज, आज के हिंदुस्तान टाइम में उनका इंटरव्यू आया हुआ है। कंट्रोवर्सियल बात, क्योंकि होम मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर है उसके पास CID नहीं है, तो CID नहीं है तो उसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं, CID इज विद चीफ मिनिस्टर। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन असलियत क्या है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई, और ये हरियाणा की जो BJP JJP गवर्नमेंट है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, टोटली फेल्ड गवर्नमेंट। और ये ऐसी बात नहीं है, आई हैव बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स, हरियाणा की पुलिस बहुत एफिशिएंट है, अगर उसका सही डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन थी उससे, अगर उससे उसके कदम उठाते तो वहाँ ये हादसा नहीं होता।